करके कल डीएम साहब यहाँ पे आए थे। आज की व्यवस्था संबंधित जो भी दोषी थे उनको उन्होंने सस्पेंड किया, और जो आज की व्यवस्था देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उस दिन लोग हम आए थे तो हम सारे लोगों ने रो दिया, क्योंकि सारे पशु रोते, सारे गौ माता हमारी रो रही थी। आज हम देखें इनके चेहरों पे जो खुशी है जी। जिस हिसाब से ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ईंट गिर रही हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना अंतर्गत किशुनपुर ग्राम पंचायत में, ये गोचर एरिया में। दो दिन पहले भी हम लोग आए थे। बहुत ही सराहनीय काम किया आजमगढ़ के जो जिलाधिकारी हैं, तत्काल उन्होंने इस पर एक्शन लिया। उनका भी साफ कहना है कि जहां भी जिले में कहीं अनियमितताएं हैं, एक इंटरव्यू किया यहाँ पे जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, जेपी सिंह जी हैं, उनके बुलाने पे हम लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने ही सबसे पहले हम लोग को जो उनका दाना पानी है, खाना पीना है, उसको कर रही हैं, ईंटें गिर रही हैं और यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। हमारे साथ फिर एक बार जुड़ेंगे
समेटे हुए गया था। मुझे तकलीफ थी, मैंने कसम भी खाई थी कि अब मैं जीवन में किसी गौशाला की तरफ रुख नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने देखा था वो मैं बता नहीं सकता। मेरी आंखों से आंसू भी छलक पड़े थे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।